Assalamu alaikum students, welcome to your new lecture about why boys fail in college. In our previous lectures, we tried to complete some portion of it and we did some questions as well. And today I'm going to start where we left in my last lecture, and inshallah I try to make a maximum effort to complete it. But I think there will be remaining parts that we'll have to complete the next lecture. But कि आपको मैं इसी तरह से ही कर रहा हूँ कि आप रोज़ाना इतना काम करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं, और उसमें आपको जो है तो आप ये जो जितना आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना सिनोनिम्स कर सकते हैं, मैं आपको उतना देने की कोशिश करता हूँ. तो टुडे आई एम गोइंग टू रिज्यूम माई लेक्चर. As we have been doing, first I show you the synonyms on the screen about the paragraph that we are going to study today, and after that there will be book reading, and in the end there will be answer to questions. So I'm going to show you the questions on the screen. Please wait a little, and after that I'll show it to you. आज आपने कल हमने इसके पढ़े थे. विगर तक कल पढ़े थे. आज है एम्बिशियस. एम्बिशियस मतलब होता है पुर अजम, जिसने जिंदगी में कोई एम्बिशन बनाई हो, उस पर काम कर रहा हो. पुर अजम एक इरादे के साथ, मकसद के साथ. तो एम्बिशियस वो फुल, डिजायरस या एस्पायरिंग. नेक्स्ट इज सोल. सोल का मतलब होता है एक तो इंसान का अपना आप, वो भी उसको भी कहते हैं, और रूह को भी कहते हैं, इंसान की स्पिरिट जो उसको भी. सेल्फ, पर्सनैलिटी, स्पिरिट. नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल. कंपेल होता है फोर्स करना, मजबूर करना. कोर्स, फोर्स. कोर्स, फोर्स, एंड फोर्स. नेक्स्ट इज माइटी. माइटी का मतलब तो बहुत बड़ा, अजीम, ह्यूज, एक्सट्रीमली या वेरी. देन इज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मुतबादल, अल्टरनेट, रिप्लेस. नेक्स्ट वर्ड इज ओज. ओज इट मीन रखना, हामिल होना, रिस्पॉन्सिबल, कंटेन, पजेस, बी इंडेटेड, ये सब है किसी हामिल होना. एनलाइटनमेंट का मतलब होता है इल्म, किसी को जो है वो किसी चीज के बारे में आगाही होना, अवेयरनेस, नॉलेज. नेक्स्ट इज फैकल्टी. फैकल्टी सलाहियत को भी कहते हैं, और कॉलेज के जो अमला उसको भी कहते हैं, कैपेबिलिटी या इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंटली. Consequently, नतीजतन, as a result, या subsequently. Cast, फेंकना, डालना, throw, leave, depend. Next is reasonable, suitable, मुनासिब होना, proper, to a proper extent. Next है nevertheless. Nevertheless जो है ये एक preposition है बच्चे. प्रेपोजिशन, सॉरी, ये एक कंजंक्शन है. कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो एक क्लास को दूसरी के साथ, एक क्लास को दूसरी से मिलाता है, इसको कंजंक्शन कहते हैं. नेवर दिलास इसका मतलब होता है इस हकीकत के बावजूद, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, या हाउ एवर, या येट. फिर है डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट होता है बिगाड़ने वाला, डैमेज करना, हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस. फिर है एक्सपेंसेस, अखराजात, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट, पिक प्राइस. फिर है जी हार्ट रेंडिंग, दिल हला देने वाला, बहुत गमगीन, पेनफुल, ट्रेजिक. फिर है स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल कहते हैं नज़ारे को, साइट, सीन, इवेंट.
इसके बाद है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन होता है इंतकाल, मुंतकिल करना, खून वगैरह मुंतकिल करना, ट्रांसफर। इसके बाद है एलिविएट, कम करना, लेसन, सूरत हाल किसी को कम करना उसकी शिद्दत को, लेसन, लाइटन या सॉफ्टन। नेक्स्ट है रिसोर्सेज, ज़राए, मींस, किसी के ज़राए जो हैं अपने ज़राए के मुताबिक खरीदारी करते हैं, मींस। परवर्टेड, बिगड़ना, खराब। एक्सक्यूज मी सर, स्टूडेंट्स ये सिनोनिम्स करने के बाद ये बुक है आपके सामने, आई एम गोइंग टू ओपन इट्स पेज 28 बिकॉज दैट विल लीड यू टू योर लेसन, द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ द बुक दैट वी आर गोइंग टू रीड। ओके, ये आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, नेवर द लेस से। इससे पहले आपने कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको प्रीवियस बताऊं, थोड़ा सा इंटैक्ट करूं कि हमने पढ़ा था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओल्ड फैशन होते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के टॉन्सिल्स ख़राब हो गए हैं, गले के हदूद, और कॉलेज के डॉक्टर कहता है जी हम इसको, आपका खर्चा भी नहीं होगा, इसको रिमूव करवाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी नहीं, ओल्ड फैशन होते हैं ना, पुराने तर्ज के, पुराने ख्याल के, कि अल्लाह ने तो इसके गले में ये हदूद किसी खास मकसद के लिए रखे हैं, तो हम इसको निकलवा देंगे तो ये खराबी हो जाएगी। उनको ये नहीं पता कि बच्चा जो है उसके इन्फेक्शन से कितनी उसकी सेहत ख़राब हो रही है, उसकी स्लीपिंग सिकनेस हो रही है, और वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा। उसको ये नहीं पता कि अगर उसमें जिस्मानी ताकत होगी दुनिया के मसाइल से निमड़ने के लिए तो तभी है, वरना वो ख़राब। तो ये उसके बाद कहता है हम उन बच्चों को जो है वो अक्सर कॉलेज से निकाल देते हैं, यूनिवर्सिटी से, के घर जाए। नेक्स्ट है नेवरदलेस मैनी बॉयज आर कास्ट एंटायरली, nevertheless many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. nevertheless hota tha iske bawajood bahut se ladke aise hote hain jo mukammal taur pe jinko college ke akhrajat poore karne ke liye wo un pe hi rehmo karam pe chhod diya jata hai, and it is always to the detriment of their health, aur ye hamesha unki sehat bigadne ka baais banta hai, or the value of their education, ya unke nazar mein तालीम की अहमियत को कम बिगाड़ने का बायस बनता है, और बोध या दोनों ही, यानी उनकी सेहत बिगाड़ने का और उनकी एजुकेशन की वैल्यू ख़त्म करने का बायस, दोनों चीज़ें होती हैं। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, कोई भी लड़का अपने आप को नुकसान पहुँचाए बगैर अपने कुछ अखराज का हिस्सा तो वो कमा सकता है। एंड And in my experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. और बहुत से लड़के जो हैं वो अपने वालदैन का बोझ बटाने के लिए वो अपने हिस्से से ज़्यादा काम करने को तैयार होते हैं। But to see boys by dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the morning till 2 in the evening till 2 in the morning, ये कहता है लड़कों को देखना कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक वो जॉब कर रहे होते हैं, 6 days in a week, हफ्ते के 6 दिन। या टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर इन फॉर देयर फूड एंड बुक्स, और कुछ लड़के वो अपने किताबें खरीदने के लिए और खुराक के लिए खून तक देते हैं, बेचते हैं। इज अ हार्ट रेंडरिंग रेंडिंग स्पेक्टिकल, ये एक दिल हला देने वाला नजर आता है। Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. बहुत से हमारे लड़के जो आला किरदार के और आला सलाहियतों के मालिक होते हैं वो ऐसे काम करने पर मजबूर होते हैं, and inevitably it's an important reason for the apparent failure. और कहता है कि लाजमी तौर पर जो बज़ाहर वजूहात हैं नाकामी के, उनमें से एक ये भी है। Most colleges do all they can with scholarship funds and to alleviate this situation. बहुत से colleges इस सूरतेहाल को कम alleviate lessen कम करना कम करने के लिए अपने ज़राए के मुताबिक scholarship वगैरह से कोशिश कर रहे होते हैं,
बट इवन वेन एवरी थिंग पॉसिबल इज डन, मगर इसके बावजूद के हर मुमकिन कोशिश की जाती है, एवरी डीन हु नोज हिज स्टूडेंट कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज हु हैव बीन ऑब्लिज्ड टू ड्रॉप आउट फॉर द लैक ऑफ द लिटिल मनी टू सी देम थ्रू. फिर भी डीन कहता है कि ये चूंकि खुद डीन है तो कॉलेज डीन देखते हैं, याद कर सकते हैं कि बहुत से लड़के ऐसे जिनको सिर्फ ये फंड्स की कमी की वजह से वो कॉलेज छोड़ने पे मजबूर. देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडरग्रेजुएट हु हैड आर टर्न एंड हुज जजमेंट इज परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटीज. कहता है एक बहुत बड़ी तादाद अंडर ग्रेजुएट्स की वो है, हेड्स आर टर्न, जिनका रुख तब्दील हो जाता है, एंड जजमेंट इज परवर्टेड का मतलब बिगड़ना, परवर्टेड बिगड़ना, और उनकी जजमेंट बिगड़ जाती है, यानी वो सोच जो है ख़राब हो जाती है एथलेटिक स्पोर्ट्स वगैरह से जो है मुतासर होकर. और सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम निहाद, लिटरेरी अदबी एजुकेशनल एक्स्ट्रा एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उनसे वो जो है वो मुतासर हो जाते हैं. ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस, और राइटर कन्विंस्ड है कि इन सारे खसूसियात जो हैं इनकी कॉलेज की ज़िंदगी में अपनी जगह है, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन देम, और जो स्टूडेंट इनमें दिलचस्पी रखते हैं उनकी तरफ से इन पर तवज्जो भी दी जानी चाहिए. इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इज ऑफन सपोज्ड. कि इस बात का एहसास कि कॉलेज जाने का मकसद क्या है, इसको जानना इतना मुश्किल नहीं जितना कि समझा जाता है. ये अपने दरमियान में अपने व्यूज बता रहा है कि कॉलेज का मकसद ये नहीं कि जाके खेलते रहें और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक मकसद पढ़ना है. इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज जो है इररेलेवेंट एक्टिविटी, अगर कोई तालिबे इल्म इन इररेलेवेंट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मुतासर है, ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, उसको ये तलबा के मेन टेंट से निकल जाना चाहिए और उसको तलबा के जो है कॉलेज वगैरह से निकल जाना चाहिए. Get out of the main tent and become professional or professional banna chahiye. But most of them really are not. Lekin zyada tar jo hain wo professional nahi hote hain. And if reason with by a friend, agar unko koi dost jo hai wo kehta hai, reason deta hai, to wo who knows you youth and understand the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. So, वो जो है उस athletics वगैरह से बाज आ जाते हैं और अपने आप को उसे खराब होते हैं. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of a college who see things from the outside and at the long range. कहता है मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जितनी बहुत से लोग जिनका कॉलेज से ताल्लुक नहीं होता है वो बाहर खड़े होकर देखते हैं, वो जो है वो इसको देखते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं कि वजह है, लेकिन राइटर कहता है मेरे ख्याल में ये वजह नहीं. अच्छा जी, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट गोइंग. चौथा है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ बॉयज एट कॉलेज. तो हम कहते हैं सम बॉयज फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड दे हैव टू वर्क डे एंड नाइट टू मीट एजुकेशन एक्सपेंस, कि वो दिन रात काम करते हैं अपने पढ़ाई के खर्चात पूरे करने के लिए. दिस बैडली अफेक्ट्स देयर हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन, ये उनकी सेहत को भी और एजुकेशन को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं, सो दे फेल, लिहाजा वो फेल हो जाते. पाँचवा क्वेश्चन है,
to what extent does the question of health lead to the failure at college? सेहत का मसला जो है वो कॉलेज में किस तरह से नाकामी का बाइस बनता है? How can we help those students? हम उन तलबा की कैसे मदद कर सकते हैं? जी तो पांचवा क्वेश्चन जी टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू द फेलियर एट कॉलेज हाउ कैन वी हेल्प दोज स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स फेल बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ कुछ बुरी सेहत की वजह से फेल हो जाते हैं देयर सिकनेस इज अ ग्रेट हर्डल इन स्टडीज उनकी बीमारी उनकी जो है पढ़ाई उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट होती है सच केसेस कैन बी अवॉइडेड बाय सेटिंग अप प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज सेहत की मुनासिब सहूलियात को कायम करके इन केसेस को जो है वो पकड़ा जा सकता है रोक इनसे बचा जा सकता है विद द कोऑपरेशन ऑफ टीचर पेरेंट्स एंड द डॉक्टर टीचर पेरेंट्स और डॉक्टर के तालमेल के साथ इनको कहा जा सकता है छठा है जी What place would you accord to sportsmen in college, or does sports and co-curricular activities affect the studies? तो कहते हैं sportsmen को क्या आप sports activities को आप क्या दर्जा देंगे कॉलेज के अंदर और किस तरह से वो कहते हैं कि वो student के मुतासर करती है Some students take too much interest in sports. कुछ students जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं दिस स्पॉइल्स देयर एजुकेशन ये उनकी तालीम को बिगाड़ देती है मुतासर करती है कॉन्सिक्वेंटली दे फेल इन एग्जामिनेशन और नतीजतन वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं दे शुड गिव मैक्सिमम टाइम टू स्टडीज एंड अ लीस्ट टाइम टू अदर एक्टिविटीज उनको तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए और दूसरी एक्टिविटीज में ज़्यादा वक्त उनको कम वक्त देना चाहिए तो स्टूडेंट्स ये जो आपका है आज का लेक्चर इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सारी चीज़ें दी कल इंशाल्लाह मैं जब इसको कंप्लीट करूँगा कंक्लूड करूँगा तो मैं इसमें सारी चीज़ों की एक दफ़ा फिर आपके सामने अपीयर करूँगा ताकि आपका ये वाला लेसन हमारा तीसरा लेसन ये हो जाए और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं YouTube पे भी साथ साथ इसके लेक्चर जो है वो रख रहा हूँ कि अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे देख के उसको क्लियर कर ले तो आप इंशाल्लाह आपको ये प्रॉपर हर चीज़ जो है वो यहाँ आपको मिल रही जी आप YouTube का अपना जो चैनल है उसका मतलब लिंक ना ग्रुप में सेंड कर